तो स्वागत है आपका यूपीएससी क्लासेस में। मैं हूं हिमांशु पांडे और आज है आपका ज्योग्राफी का लेक्चर 13, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो पिछले लेक्चर्स में भी हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में चर्चा की हुई है और साइक्लोन फॉर्मेशन कैसे होता है उसको हम देख चुके हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम काफ़ी इलेबोरेट तरीके से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि वो क्या कंडीशंस हैं जो ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होती हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये लेट समर में ही क्यों अकर होते हैं, इसका भी रीजन देखेंगे। और ज़्यादातर जो ये होते हैं वो ओशन के वेस्टर्न मार्जिन पे ही अकर होते हैं, इसका रीजन देखेंगे। लैंडफॉल होने पे वीक हो जाते हैं, कहने का मतलब है कि वाटर बॉडी से या ओशन से ये लैंड की तरफ आते हैं तो लैंड पे आने पे ये वीक होने लगते हैं। इसके बाद डिस्टरबेंस क्या होते हैं, ईस्टर्ली वेव डिस्टरबेंसेस क्या होते हैं, साउथ वेस्टर्ली मानसून जब आता है तो ये कमज़ोर क्यों पड़ जाते हैं, या बोलें कि साउथ वेस्ट मानसून जब आता है तो ये कम अकर होते हैं, अपर एयर डिस्टर्बेंसेस के बारे में पढ़ेंगे और इनके रीजनल नेम्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में इनके डिफरेंट नेम होते हैं। और इसके बाद आपने कई तरीके के नाम पढ़े होंगे, कैटरीना या इस टाइप से आप कई नाम सुनते होंगे न्यूज़ वगैरह में, तो ये नेमिंग का सिस्टम क्या है, कैसे इनका नेम ऐसे रखा जाता है और इनसे निपटने के लिए वार्निंग सिस्टम क्या है, या इंडिया ने जो इंडिया का IMD डिपार्टमेंट है उसने इनसे निपटने के लिए या वार्निंग सिस्टम के लिए क्या तैयारियाँ कर रखी हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, तो ये आप देख सकते हैं इस मैप में, ऑस्ट्रेलिया में और इस एरिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है। इसके बाद अमेरिका में जाते हैं तो हरिकेन बोला जाता है, ये अभी मैं आपको डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा। तो अभी हम देखते हैं कि जो मेनली ये ट्रॉपिकल साइक्लोन अकर होते हैं उनका रीजन है ये, यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच, यानी ट्रॉपिकल रीजन में ये ट्रॉपिकल साइक्लोन अकर होते हैं, इसीलिए इनका नाम ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तो ये हम लोग देख चुके हैं कि जो आइसोबार्स होते हैं, आइसोबार्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो लेक्चर जाके देख लीजिए, और मैं ऊपर आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, उसको क्लिक करके भी आप ये लेक्चर देख सकते हैं। तो साइक्लोन बनने के लिए हमको लो प्रेशर की ज़रूरत होती है, जब लो प्रेशर क्रिएट होता है तब अगल बगल से सराउंडिंग से जो हवा है वो कन्वर्ज होती है लो सेंटर की तरफ और ऊपर उठ के डाइवर्ज होती हैं, तो हमारा साइक्लोनिक कंडीशन बनती है। तो हम देखते हैं एक क्लोज्ड लो प्रेशर सेंटर विद स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट। मैंने आपको बताया था कि स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब है कि जो आइसोबार्स हैं वो काफ़ी पास पास हैं, जब पास पास होते हैं इसका मतलब है रैपिड चेंज हो रहा है प्रेशर में, और प्रेशर के रैपिडली चेंज होने का मतलब है कि प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा है, इसका मतलब है कि जो हवाएं भी चलेंगी वो काफ़ी तेज़ी से चलेंगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो कैटेगरी 1 का यानी सबसे तेज जो साइक्लोन रहेगा उसमें जो प्रेशर ग्रेडियंट होगा वो 980 मिली बार से अधिक होगा, और ऐसे हम अगर चलेंगे तो कैटेगरी 5 का जो हम देखेंगे वो 920 मिली बार से कम रहेगा। तो ये आपको फैक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक अंदाज़ा आपको रहे कि मिली बार कितने मिली बार पे कितने इंटेंसिटी का ट्रॉपिकल साइक्लोन हो सकता है। एक क्लोज्ड लो लेवल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होना चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ कि जो विंड्स हैं वो चारों तरफ से कन्वर्ज होनी चाहिए इस लो प्रेशर सेंटर की तरफ। तो हम बोलते हैं एक क्लोज्ड लो लेवल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, स्ट्रॉन्ग विंड्स, इसको हम स्क्वेल्स भी बोलते हैं, इसका मतलब कि सडन वायलेंट गस्ट ऑफ विंड होना चाहिए, मतलब काफ़ी वैसे भी अगर प्रेशर ग्रेडियंट हमारा काफ़ी ज़्यादा है तो जो विंड्स की स्पीड होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी, तो स्ट्रॉन्ग विंड्स भी एक करेक्टरिस्टिक है ट्रॉपिकल साइक्लोन का। और चौथा है हमारा स्पायरल अरेंजमेंट ऑफ थंडर स्टॉर्म्स, यानी कि टॉरेंशियल रेनफॉल होना चाहिए, यानी मूसलाधार बारिश होगी और ये स्पायरल अरेंजमेंट होगा थंडर स्टॉर्म का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंडीशंस नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, टीसी का मतलब है ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो हम देखेंगे कि लार्ज सी सरफेस विथ टेम्परेचर ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस, तो सी सरफेस का जो टेम्परेचर होगा वो 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा, कोरियोलिस फोर्स का प्रेजेंस होना चाहिए,
मैं आपको समझा चुका हूँ कोरियोलिस फोर्स और कैसे साइक्लोन फॉर्मेशन होता है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे कोरियोलिस फोर्स बढ़ता जाएगा, इक्वेटर पे रहेंगे तो कोरियोलिस फोर्स काम नहीं करेगा, यानी जैसे जैसे इक्वेटर से जाएंगे कोरियोलिस फोर्स बढ़ेगा। तभी हम बोलते हैं कि 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ यानी डोलड्रम में साइक्लोन अकर नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स नहीं होता है और सीधा कन्वेक्शन होता है, एयर ऊपर उठती है और डिसेंड होती है। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। इसके बाद एक प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया, तो पहले से एग्जिस्टिंग एक वीक लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, मतलब लो प्रेशर एरिया हमको चाहिए। वीक लो प्रेशर एरिया चलेगा, इसमें ही फिर वो स्ट्रांग होता जाएगा और फेवरेबल कंडीशन मिलने पर ट्रॉपिकल साइक्लोन अकर होगा। लो विंड शियर, लो विंड शियर हम आगे भी पढ़ेंगे। तो लो विंड शियर का मतलब है कि जो नीचे के लेवल की एयर होगी और ऊपर के लेवल की जो एयर होगी उनके बीच स्पीड में बहुत डिफरेंस नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म स्पीड होना चाहिए, जिससे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनने के लिए फेवरेबल कंडीशन मिलती है। अगर ऊपर की लेयर में ट्रोपोस्फेरिक लेयर की अगर हम बात करें तो अपर ट्रोपोस्फेरिक लेवल में अगर विंड स्पीड ज़्यादा है और नीचे ट्रोपोस्फेरिक लेवल पे विंड स्पीड कम है तो फिर ये फेवरेबल कंडीशन नहीं है, यानी तब हम बोलेंगे विंड शियर ज़्यादा है। शियर का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे कई सारी बुक रखी हुई हैं और शियर का मतलब होता है कि ऊपर की बुक को हम ऐसे धक्का दें तो ये कुछ ऐसे बन जाती है। तो ये हो गया शियरिंग हो गई, या किसी भी सॉलिड चीज़ को हम ऊपर से अगर पुश करते हैं तो जो शियर हो जाती है वो कुछ ऐसे, इसको हम बोलते हैं शियरिंग। तो ये शियरिंग नहीं होनी चाहिए एयर की, यानी अपर ट्रोपोस्फेरिक एयर में और लोअर ट्रोपोस्फेरिक एयर में विंड की जो स्पीड है वो कंपेरेबल या सिमिलर होनी चाहिए। और लास्ट है हमारा अपर लेवल डाइवर्जेंस, यानी अपर लेवल में डाइवर्जेंस होना चाहिए। वैसे भी हमें पता है कि लो प्रेशर क्रिएट होता है तो हवाएं कन्वर्ज होती हैं और अपर लेवल पे यही हवाएं उठ के फिर डाइवर्ज हो जाती हैं। तो ये डाइवर्जेंस होना चाहिए अपर लेवल में, जो भी नीचे होगा अगर नीचे कन्वर्जेंस है तो ऊपर डाइवर्जेंस होता है, इसी को हम सेल बोलते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ सेल फॉर्मेशन कैसे होता है। वाई ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म मोस्टली ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द ओशन, ओशन के वेस्टर्न मार्जिन पे ही क्यों ये बनते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये मैंने जो फिगर दिया हुआ है इसको मैं ज़्यादा एलोबरेट करूँगा आपको जब मैं पढ़ाऊँगा आपको ओशनोग्राफी। तो ये सेम फिगर मैं वहाँ यूज करूँगा क्योंकि इस फिगर में ओशन करंट दिखाए गए हैं, जो रेड कलर से दिखाए गए हैं वो वार्म ओशन करंट है और जो ब्लू से दिखाए गए हैं वो है हमारे कोल्ड ओशन करंट। तो ओशन करंट्स आपको वहाँ पे समझ में आएंगे, लेकिन आप अभी जान सकते हैं जैसे ये गल्फ स्ट्रीम है, मैं इस फिगर को और जूम कर सकता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं ये गल्फ स्ट्रीम है, तो ये हमारा एक वार्म ओशन करंट है, इसको मैं पहले भी आपको एक बार समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे जो ओशन का वाटर रहेगा वो काफ़ी गर्म रहेगा, और हमको ये भी पता है कि इस रीजन में यानी हम 30 डिग्री से 30 डिग्री के बीच की बात करते हैं तो ईस्टर्ली करंट्स ऐसे या ईस्टर्ली ट्रेडविंड ऐसे आती हैं। तो इन ईस्टर्ली ट्रेडविंड्स की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाटर इकट्ठा होता है और वो वार्म ओशन करंट्स के होने से काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और वैसे भी अभी आपको अगर ये लग रहा है कि ये 30 डिग्री की लाइन ऐसे सीधी गई है तो ये जो गल्फ स्ट्रीम है ये ऊपर भी निकल गई है तो वो वेस्टर्ली के प्रभाव में आ जाएगा। तो मैंने आपको समझाया हुआ है कि जो ITCZ होता है, यानी ये 0 डिग्री पे जो ईस्टर्ली और वेस्टर्ली मिलती हैं जिसको हम ITCZ बोलते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि समर सीजन आने पर ये ITCZ ऊपर की तरफ मूव हो जाता है, यानी कि ये जो पूरा सिस्टम होता है ट्रेड विंड्स का ये ऊपर चला जाता है। तो ये पूरा एरिया हमारा ईस्टर्ली के ही प्रभाव में आ जाता है। तो आगे हम समझते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो रिक्वायरमेंट है हमारी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बनने के लिए वो क्या है। तो सबसे पहले हमें चाहिए गुड सोर्स ऑफ लेटेंट हीट। हमने पढ़ रखा है कि साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए या क्लाउड फॉर्मेशन के लिए एयर जब ऊपर उठती है तो अगर उसके पास मॉइस्चर है या उसके पास लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन है तभी वो ऊपर उठ पाती है और लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन को रिलीज करती है और जिससे हमारा कंडेंसेशन होके क्यूमलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन तो है हमारी कि हमारे पास जो एयर है उसमें गुड सोर्स ऑफ लेटेंट हीट उसको मिलना चाहिए। तो वो चीज़ हमें कहाँ मिलेगी, ओशन के पास, और ओशन में भी कहाँ मिलेगी कि
वेयर ओशन वाटर हैविंग टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस, कम से कम इतना टेम्परेचर होना चाहिए, एंड डेप्थ ऑफ वन वाटर कितना होना चाहिए, कम से कम 60 to 70 meter डेप्थ होनी चाहिए, इतनी डेप्थ होनी चाहिए वार्म वाटर की। क्यों? तो 60-70 meter थिक लेयर वार्म वाटर की होने का मतलब यह है कि अगर वाटर की जो लेयर है ओशन में अगर थिक रहेगी तो नीचे का जो कूलर वाटर है, ओशन में नीचे कूल वाटर रहेगा ऊपर गर्म रहेगा, तो ये मिक्स नहीं होने पाएगा। और अगर यही लेयर हमारी छोटी हुई वार्म वाटर की ओशन में, तो ये मिक्स होके इसको भी ठंडा कर देगी, तो मिक्सिंग हो जाएगी। तो हमको ये दो कंडीशन चाहिए, एक तो ओशन वाटर की लेयर है वो काफ़ी थिक होनी चाहिए, और दूसरी कि 27 डिग्री सेल्सियस कम से कम टेम्परेचर होना चाहिए। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वेस्टर्न साइड है हमारे ओशन की, वहाँ पे हमको वार्म ओशन करंट देखने को मिलते हैं या गर्म ओशन करंट देखने को मिलते हैं, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम है इस तरफ। और अगर हम पैसिफिक में आते हैं तो हमें क्रोसियो करंट देखने को मिलता है, जो कि एक वार्म करंट है। तो इनके होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ से ईस्टर्ली ट्रेड विंड भी आ रही है समर में, क्योंकि ITCZ थोड़ा ऊपर है, और ये वाटर को इकट्ठा करती हैं यहाँ पे, कहाँ पे, वेस्टर्न मार्जिन पे, जिससे कि हमें जो एक कंडीशन है हमारी कि वाटर लेयर थिक होनी चाहिए वो भी पूरी होती है, और गर्म ओशन करंट्स के होने से हमारे टेम्परेचर की कंडीशन भी पूरी होती है। तो ये हमें समझ में आता है कि किस लिए वेस्टर्न मार्जिन ऑफ ओशन पे ही ट्रॉपिकल साइक्लोन ज़्यादातर अकर होते हैं। इसके उल्टा हम ये भी देख सकते हैं कि जो जैसे ये कैनरी करंट है, अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट कोस्ट से होता हुआ जाता है, तो ये कैनरी करंट है। ऐसे ही हम देखते हैं कि जो हमारे ईस्टर्न साइड का ओशन है, वहाँ पे जैसे कि यहाँ कैलिफोर्निया करंट है, वो सारे करंट हमारे ठंडे करंट होते हैं या कोल्ड करंट होते हैं। ये पेरू करंट देख सकते हैं, बेनगुएला करंट देख सकते हैं, वेस्ट ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट देख सकते हैं, ये सारे करंट हमारे कोल्ड करंट है। इसलिए ईस्टर्न साइड पे हमको ये दोनों ही कंडीशन नहीं मिलने पाती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये मेंस का क्वेश्चन है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं दे अकर ओनली या जनरली अकर एट वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द ओशन। यहाँ पे एक्सेप्शनल केस भी आते हैं, जैसे कि जब स्ट्रॉन्ग अलनीनो का ईयर होता है। अब अलनीनो क्या होता है, जब मैं इंडियन मानसून पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर करूंगा कि अलनीनो क्या होता है। तो ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग अलनीनो ईयर ये एक्सेप्शनल केस हो जाता है, वहाँ पे मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा। वाई डू ट्रॉपिकल साइक्लोन वीकन ऑन लैंडफॉल? तो लैंडफॉल होने पे वीक क्यों हो जाते हैं, यानी ओशन से चले ये साइक्लोन, वहाँ से मॉइस्चर लेते हैं, और जब तक उनको मॉइस्चर सप्लाई होती है वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, लेकिन लैंडफॉल होने पे या लैंड पे आ जाने पे वो वीक हो जाते हैं, उनकी जो मॉइस्चर सप्लाई है वो बंद हो जाती है। तो हम देख सकते हैं, ऑन लैंडफॉल द स्टॉर्म इज कट ऑफ फ्रॉम एडिक्वेट मॉइस्चर सप्लाई एंड हैंस इट इज डिप्राइव्ड, यानी कम हो जाता है, इनको मिलना बंद हो जाता है, डिप्राइव हो जाते हैं ऑफ लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, दस द स्टॉर्म डिसिपेट्स ऑन लैंडफॉल। तो इस फिगर में वही चीज़ मैंने दिखाई है, आप देख सकते हैं। तो एक बार मैं रिवाइज करता हूँ, अपने पिछले लेक्चर्स में भी हमने ये चीज़ पढ़ रखी है, तो मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करवाता हूँ कि साइक्लोन कैसे अकर होता है। तो सबसे पहले राइजिंग ऑफ ह्यूमिड एयर पार्सल, तो ह्यूमिड एयर पार्सल या मॉइस्चर से भरा हुआ जो एयर पार्सल होगा वो राइज करेगा। इसके बाद क्या होगा, जो एम्बियंट प्रेशर होगा ऑन द एयर पार्सल डिक्रीजेस विद अल्टीट्यूड। जैसे जैसे ये एयर पार्सल ऊपर की ओर जाते रहेगा प्रेशर डिक्रीज होगा। मैं आपको डेडिकेटेड लेक्चर ले चुका हूँ प्रेशर के ऊपर, जिसमें मैंने प्रेशर सिस्टम पढ़ाया था। तो ये प्रेशर डिक्रीज होगा और एयर पार्सल ऊपर जाते रहेगा। एडियाबेटिक लैप्स रेट, ये मैं एडियाबेटिक लैप्स रेट आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। तो एक्चुअली में अगर आपको ज्योग्राफी को बिल्कुल मन से समझना है, ज्योग्राफी को फील करना है, तो मैंने उसी अंदाज में आपको शुरू से लेक्चर लिया हुआ है, जिससे कि हर एक टॉपिक वहीं पढ़ाया जाए और आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ट हो पाए। तो एडियाबेटिक लैप्स रेट मैंने आपको पढ़ाया था। तो सबसे पहले ह्यूमिड एयर पार्सल राइज करेगा, एम्बियंट प्रेशर फॉल करेगा, इसके बाद एडियाबेटिक लैप्स रेट यानी कि फॉल इन टेम्परेचर ऑफ एयर पार्सल अकर होगा। जैसे जैसे एयर पार्सल ऊपर जाते रहेगा, एडियाबेटिक लैप्स रेट के कारण टेम्परेचर फॉल होगा, ना कि आइसोथर्मली, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद कंडेंसेशन होगा मॉइस्चर का इन एयर पार्सल ड्यू टू लो टेम्परेचर, फिर लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होगी इन द प्रोसेस, फिर एयर पार्सल इज हीटेड फर्दर। क्यों फर्दर हीट होगा, क्योंकि जो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन निकलेगी उसके कारण ये फर्दर हीट होगा और लेस डेंसर होगा, जिससे कि और ऊपर जाएगा, एयर पार्सल इज फर्दर अपलिफ्टेड। फिर क्या होगा, मोर एयर कम्स इन टू फिल द गैप, तो और एयर आएगी अगल बगल से इसके गैप को भरने के लिए, क्योंकि ये हल्का होकर और ऊपर जा रहा है।
इससे क्या होगा, नई मॉइस्चर मिलेगी इसको, नया लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होगी, इसलिए ये प्रोसेस चलती जाएगी। द साइकिल रिपीट्स एज लॉन्ग एज देयर इज इनफ सप्लाई ऑफ मॉइस्चर। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है हमारा साइक्लोन फॉर्मेशन का या क्लाउड फॉर्मेशन का भी सेम ही है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं और हैवी रेनफॉल होता है। डिपेंड करता है कि कितना इसको लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन मिल पाती है, मॉइस्चर मिल पाती है, कितना ऊपर एयर पार्सल जा पाता है। तो कोरियोलिस फोर्स के लिए मैं आपको ये सेम फिगर से एक बार कोरियोलिस फोर्स बता चुका हूँ। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कोरियोलिस फोर्स इज जीरो एट द इक्वेटर बट इट इज इंक्रीजेज विद लेटिट्यूड। 0 डिग्री पे कोरियोलिस फोर्स जीरो रहेगा, जैसे जैसे हम हायर लेटिट्यूड्स पे जाएंगे तो कोरियोलिस फोर्स बढ़ता रहेगा, जिससे क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा और साउदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या खास बताना चाह रहा हूँ मैं, तो कोरियोलिस फोर्स एट 5 डिग्री लेटिट्यूड इज सिग्निफिकेंट इनफ टू क्रिएट ए स्टॉर्म। तो 5 डिग्री से 5 डिग्री के बीच की अगर हम बात करते हैं, जो डोल्ड्रम की बात करते हैं, वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स इतना नहीं है कि वहाँ पे साइक्लोन अकर हो, लेकिन 30 डिग्री, यहाँ से 30 डिग्री और नीचे 30 डिग्री चले जाते हैं तो कोरियोलिस फोर्स इतना हो जाता है कि वो साइक्लोनिक वोर्टेक्स या साइक्लोनिक सर्कुलेशन के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पे साइक्लोन अकर होते हैं। अबाउट 65% ऑफ साइक्लोनिक एक्टिविटी अकर्स बिटवीन 10 डिग्री एंड 20 डिग्री लैटिट्यूड, जो मैंने आपको पीछे फिगर में दिखाया था। द साइक्लोनिक सर्कुलेशन इज एंटी क्लॉक वाइज, यानी काउंटर क्लॉक वाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो मैं ये आपको बताया था कि आपको ये याद रखना है, अगर भूल जाते हैं तो आपको क्या याद रखना है कि अगर एंटी है तो एंटी नहीं आएगा। इसका मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की हम बात कर रहे हैं, अगर एंटी साइक्लोन है तो एंटी नहीं आएगा, इसका मतलब है क्लॉक वाइज। तो फिर साइक्लोनिक जो कंडीशन रहेगी या साइक्लोन्स होगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कैसे रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको ये याद रखना है कि साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्यों होगा, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स के कारण जो विंड जाएगी वो राइट साइड में डिफ्लेक्ट होगी तो ऐसे बन जाएगी, ये वाली इधर डिफ्लेक्ट होगी ऐसे बन जाएगी। तो ये पूरा सर्कुलेशन कैसे हो जाएगा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। अगर साउदर्न हेमिस्फेयर की बात करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। वाई साइक्लोन अकर मोस्टली इन लेट समर्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये मेंस के क्वेश्चन है। वाई साइक्लोन अकर मोस्टली इन लेट समर्स, लेट समर में क्यों साइक्लोन होते हैं। लेट समर का मेरा मतलब है कि अगस्त वगैरह में हमारा साइक्लोन अकर होता है, जबकि जो हमारा सबसे ज़्यादा गर्म होता है या सबसे ज़्यादा हीट होती है वो जून में होती है। तो उसका रीजन क्या है कि लेट समर में साइक्लोन क्यों आते हैं, तो दो रीजन है, एक तो है हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और दूसरा है डोल्ड्रम्स रीजन विद इन ITCZ, यानी जो डोल्ड्रम की हम बात करते हैं, जो हमारा ITCZ होता है जहाँ पे ट्रेड विंड्स आके मिलती हैं, उसके बीच का जो एरिया होता है 5 डिग्री नॉर्थ साउथ, जिसको हम डोल्ड्रम्स बोलते हैं। तो डोल्ड्रम्स यानी कि रीजन विद इन ITCZ ओवर ओशन आर फार्देस्ट फ्रॉम द इक्वेटर। तो लेट समर में क्या होता है, ये अगर हमारी इक्वेटर है, ITCZ जो हमारा है ऊपर नॉर्दर्न डायरेक्शन में मूव कर चुका होता है, इसलिए इक्वेटर से वो काफ़ी दूर होता है। जो पीछे मैं जब वार्म करंट वगैरह बता रहा था तब भी मैंने आपको बोला था कि ITCZ के ऊपर नॉर्दर्न साइड में मूव कर जाने से इक्वेटर से दूरी बढ़ जाती है, इसलिए कोरियोलिस फोर्स भी बढ़ जाता है। और ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, इससे क्या होता है कि ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड फर्दर मिक्सिंग द ओशन वाटर्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अटेन मैक्सिमम टेम्परेचर इन अगस्त। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ओशन वाटर है वो अपना मैक्सिमम टेम्परेचर कब गेन करता है, अगस्त में। मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक हीट वाटर भी ज़्यादा होती है, इसलिए वाटर देर में ठंडा होता है और देर में गर्म होता है। तो भले ही कंटिनेंट यानी कि हम लैंड की बात करें तो जून में सबसे अधिक गर्मी पड़ रही है, उसके बाद जुलाई में, लेकिन जो ओशन होते हैं उस समय ठंडे होते हैं। ओशन कब गर्म होते हैं, अगस्त में जाके, तब तक कंटिनेंट हमारे ठंडे हो रहे होते हैं लेकिन ओशन तब गर्म होते हैं। इसलिए जो हमारा 27 डिग्री सेल्सियस का हमारा जो क्राइटेरिया है वो कब हमारा फुलफिल होता है, अगस्त में। अब हम समझते हैं कि डिस्टरबेंसेस हम किसको कहते हैं। डिस्टरबेंसेस कुछ नहीं है, इट इज़ ए परसिस्टेंट ग्रुप ऑफ थंडर स्टॉर्म्स विद हैवी रेन्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड। तो हैवी रेन और स्ट्रॉन्ग विंड है, लो प्रेशर क्रिएट हो रखा है, ऐसे थंडर स्टॉर्म्स के ग्रुप को हम डिस्टरबेंस बोलते हैं। तो उनमें से ही एक है ईस्टर्ली वेव डिस्टरबेंसेस। ईस्टर्ली वेव डिस्टरबेंसेस क्या होंगे, इट इज़ कन्वेक्टिव ट्रफ। ट्रफ जब भी मैं बोलूँगा तो उसका क्या मतलब है, जैसे ये कोई वेव चल रही है तो इसमें जो ये वाला एरिया होगा या ये जो नीचे गई है वेव, इसको हम बोलते हैं ट्रफ।
और जो ऊपर गया है उसको हम बोलते हैं रिज। तो ये आप याद रखिएगा। तो ट्रफ क्या है कि नीचे जाने को हम बोलते हैं ट्रफ। यहाँ पे हमारा कन्वर्जेंस होता है। इस फिगर को हम ऐसे भी बना सकते हैं कि एयर कन्वर्ज हुई, डाइवर्ज हुई, कन्वर्ज हुई। ये एयर आ रही है, ये कन्वर्ज हुई यहाँ पे डाइवर्ज हो गई, फिर से कन्वर्ज हो गई। तो ये हो गया ट्रफ, ये हो गया रिज। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ईस्टर्ली वेव डिस्टरबेंसेस क्या होते हैं? इट इज ए कन्वेक्टिव ट्रफ। कन्वेक्टिव बोलने का मेरा मतलब है कि थर्मल ओरिजिन है। जब भी मैं कन्वेक्शन बोलूँ, मैंने कन्वेक्शन आपको अच्छे से समझाया हुआ है कि हीट होके एयर ऊपर जाती है और एक सेल फॉर्मेशन करती है, उसको हम कन्वेक्शन के थ्रू हुआ सिस्टम या कन्वेक्टिव करंट बोलते हैं। तो इट इज ए कन्वेक्टिव ट्रफ यानी थर्मल ओरिजिन। ए परसिस्टेंट ग्रुप ऑफ थंडरस्टॉर्म्स ट्रेवलिंग टुगेदर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, यानी ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में ट्रेड विंड्स के प्रभाव में आके जब ये ट्रफ्स मूव करते हैं तो इसको हम बोलते हैं ईस्टर्ली वेव डिस्टर्बेंसेस। फिर से समझिएगा भाई, हमारा कोई डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस का मतलब है कि कोई भी स्टॉर्म क्रिएट हो रहा है या लो प्रेशर रीजन क्रिएट हुआ है और पूरा एक स्टॉर्म क्रिएट हुआ, तो वो ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे बना रहेगा। अगर यहाँ से ट्रेड विंड्स मिलेंगी या आगे मैं जेट स्ट्रीम भी बताऊंगा, जेट स्ट्रीम मिलेंगी तो वो उनके प्रभाव में आके दूर चला जाएगा। अगर उसको नहीं मिलेगी कोई ऐसी विंड तो वो एक ही जगह पे बना रहेगा, वहीं केवल रेनफॉल वगैरह होगा। लेकिन अगर ईस्ट साइड से जो ट्रेड विंड्स आ रही हैं वो अगर इस ट्रफ को टकराती हैं या ये ट्रफ उनके प्रभाव में आता है, तो जैसे जैसे वो ट्रेड विंड इसको ले जाएंगी, ये भी वैसे वैसे उन उन एरियाज में रेनफॉल करते हुए या अपना प्रभाव दिखाते हुए आगे जाएगा। तो ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स के प्रभाव में ये वेस्ट साइड जब ट्रफ या कन्वेक्टिव ट्रफ जिसको हम बोल रहे हैं वो मूव करेगा, या हम बोलेंगे डिस्टरबेंस मूव करेगा, तो हम बोलेंगे ईस्टर्ली वेव डिस्टरबेंसेस। अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर कंट्रास्ट बिटवीन एयर मासेस। जब दो एयर मासेस के बीच में टेम्परेचर कंट्रास्ट होता है, ये मैंने आपको बताया था फ्रंट्स। फ्रंट्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा ही बताया था, बाकी मैं आपको टेम्परेट साइक्लोन अगला लेक्चर होगा उसमें फ्रंट्स या फ्रंटोलिसिस के बारे में बताऊंगा। तो मैंने बताया था कि जब वार्म एयर और कोल्ड एयर, जिसको हम बोलते हैं वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास, इनके बीच में जब टक्कर होती है या टकराव होता है, तो हमारा वार्म फ्रंट या कोल्ड फ्रंट जो भी कंडीशन होती है वो क्रिएट होता है और क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह और स्टॉर्म फॉर्मेशन वगैरह होता है। तो द कन्वर्जेंस ऑफ एयर मासेस ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर्स रिजल्ट इन इनस्टेबिलिटी कॉजिंग लो लेवल डिस्टर्बेंसेस। तो लो लेवल डिस्टर्बेंसेस का मतलब हमारा वही जो बार बार हम डिस्टर्बेंस बोल रहे हैं, विच आर प्री रिक्विजिट फॉर द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म। तो जब दो फ्रंट टकराते हैं, कोल्ड और वार्म एयर मासेस टकराते हैं, तो वार्म एयर मास जब ऊपर चला गया तो यहाँ पे हमारा फिर से वही लेटेंट हीट वाला पूरा प्रोसीजर रहेगा। यहाँ क्लाउड फॉर्मेशन होता है और इससे होता क्या है कि हमारा लो लेवल का एक डिस्टरबेंस क्रिएट होता है और ये हमारा प्री रिक्विजिट है। अगर हमें लो लेवल का, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्री एग्जिस्टिंग कोई लो लेवल का डिस्टरबेंस या लो लेवल प्रेशर क्रिएट होना चाहिए, तो जैसे ही ये प्री रिक्विजिट पूरी होती है और फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म अकर होता है। तो वैसे तो जो फ्रंट्स के कारण जो साइक्लोन होता है वो ज़्यादातर टेम्परेट रीजन में होता है, यानी 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच। लेकिन अगर ये कंडीशन हमारी ट्रॉपिकल रीजन में पूरी होती है तो वहाँ भी एयर मासेस के कारण ट्रॉपिकल साइक्लोन अकर होते हैं। यानी हमने पढ़ा थर्मल ओरिजन यानी कन्वेक्टिव रीजन्स के कारण भी साइक्लोन होते हैं, जो कि तो मेन रीजन है ही, क्योंकि सन की हीट डायरेक्ट पड़ रही है इक्वेटर वाले रीजन पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच। बाकी एयर मासेस के कारण भी ट्रॉपिकल साइक्लोन आ सकते हैं। तो ट्रेड विंड्स फ्रॉम बोथ द हेमिस्फेयर मीट अलोंग द इंटर ट्रॉपिकल फ्रंट। तो इंटर ट्रॉपिकल फ्रंट यानी ITCZ के पास जब हमारे दोनों ट्रेड विंड्स मिलते हैं तो टेम्परेचर कंट्रास्ट के कारण क्या होता है, ये साइक्लोन अकर हो सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि भाई 0 डिग्री पे ही ये ITCZ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इक्वेटर से जब ये दूर होगा तभी हमको कोरिओलिस फोर्स का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो जैसे समर होती है तो ITCZ नॉर्दर्न साइड में मूव कर जाता है, जिससे कि इक्वेटर से दूरी बढ़ जाती है और जो एयर मासेस कन्वर्ज हो रहे हैं उनके डिफरेंट टेम्परेचर के प्रभाव में हमारे हमको टेम्परेचर कंट्रास्ट भी देखने को मिल जाता है और ये साइक्लोन अकर होते हैं। विंड सियर के बारे में मैंने आपको बताया था कि विंड सियर इज द डिफरेंस बिटवीन विंड स्पीड्स एट डिफरेंट एल्टीट्यूड।
यानी अलग अलग ऊंचाई पे जो विंड की स्पीड है उनके डिफरेंस को हम कहते हैं विंड शियर। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप व्हेन द विंड इज यूनिफॉर्म, तो विंड स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। आपको मन में ऐसे लग सकता है कि विंड स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए तब साइक्लोन अगर नहीं होंगे, विंड स्पीड यूनिफॉर्म होनी चाहिए पूरी लेयर में तब साइक्लोन्स को बनने का मौका मिलता है। अगर विंड शियर कहीं से भी ज़्यादा हुआ या विंड स्पीड अपर लेवल में ज़्यादा हुई, या जो साइंटिस्ट भी हैं वो यही देखते हैं कि अगर कोई अपर लेवल में, अपर ट्रोपोस्फेरिक लेवल में काफ़ी हाई स्पीड का स्ट्रीम आ रहा है या जेट स्ट्रीम आगे पढ़ेंगे, तो वो समझ जाते हैं कि ये साइक्लोन यहाँ फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि अपर लेयर में हाई स्पीड है, इसलिए विंड शियर बढ़ रहा है, इसलिए साइक्लोन अकर नहीं होगा। तो ये मौसम का जो पूर्वानुमान लगाते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, उसमें भी ये चीज़ उपयोगी होती है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप व्हेन द विंड इज यूनिफॉर्म। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज कन्वेक्टिव साइक्लोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है उत्पत्ति, तो जो साइक्लोन बनते हैं साइक्लोन की उत्पत्ति को हम बोल रहे हैं। व्हाई इज कन्वेक्टिव साइक्लोजेनेसिस यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोजेनेसिस कन्फाइंड टू ट्रॉपिक्स, तो जो ये कन्वेक्टिव साइक्लोजेनेसिस है, जैसे हमने बताया आपको कि इक्वेटर 30 डिग्री 30 डिग्री इक्वेटर के ऊपर नीचे ही ये ट्रॉपिकल एरिया जो है उसमें ही साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोजेनेसिस होती है, ऊपर क्यों नहीं होती है? तो उसका रीज़न आपको पता है कि एक तो मैंने आपको बताया सन की हीट, अभी जो दूसरा रीज़न है कि बिकॉज ऑफ वीक वर्टिकल विंड शीयर, जो विंड शीयर है वो वीक है। कहने का मतलब है कि लोअर लेवल में देखें या अपर लेवल में देखें, जो विंड की स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, जिसका क्या मतलब हुआ कि विंड शीयर जो है वो वीक है, कमज़ोर है। यानी साइक्लोन फॉर्मेशन प्रोसेसेस आर लिमिटेड टू लैटिट्यूड इक्वेटर वार्ड ऑफ द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम देखते हैं ये हमारी अर्थ है, ये 0 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री 30 डिग्री हो गई, जहाँ पे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं, तो यहाँ पे लैटिट्यूड जो 30 डिग्री हमारा है, यहाँ पे हमारे अपर लेवल में, ट्रॉपोस्फेयर के अपर लेवल में जेट स्ट्रीम फ्लो होती हैं जिनको अभी हम देखने जा रहे हैं, तो वो जेट स्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इनके ऊपर ट्रॉपिकल साइक्लोन अकर नहीं होते हैं। उनका रीजन दूसरा है, जो टेम्परेट रीजन में साइक्लोन होते हैं, फ्रंटोलिसिस पढ़ेंगे उसके लिए हम, एयर फ्रंट्स के वजह से होता है। लेकिन यहाँ पे हम ये देखना चाहते हैं कि जो ये हमारी अर्थ है और ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गई, वो 30 डिग्री 30 डिग्री के बीच ट्रॉपिकल रीजन में तो साइक्लोन होंगे लेकिन ऊपर नहीं जाने पाएंगे क्योंकि अपर लेवल में यहाँ पे जेट स्ट्रीम फ्लो होती हैं, जो अभी हम पढ़ेंगे पोलर जेट स्ट्रीम और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, तो उनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए अपर लेवल में इतनी विंड स्पीड होने से विंड शियर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसके ऊपर साइक्लोन नहीं जा पाते हैं। तो आगे आपको मैं काफ़ी एनिमेशन करके दिखाऊंगा अभी कि कैसे ये जेट स्ट्रीम अकर होते हैं। इन द टेम्परेट रीजन्स क्या होता है, विंड शियर इज हाई ड्यू टू वेस्टर्लीज, जो वेस्टर्लीज हैं उनकी भी स्पीड काफ़ी होती है। वेस्टर्लीज कहाँ होती हैं, ये रीजन में वेस्टर्लीज होती हैं, तो टेम्परेट रीजन में वेस्टर्लीज की स्पीड्स के कारण विंड शियर हाई हो जाता है, इसलिए वहाँ भी कन्वेक्टिव साइक्लोजेनेसिस इनहिबिट हो जाती है, मतलब नहीं होता है, मतलब कन्वेक्टिव साइक्लोजेनेसिस नहीं होता है, साइक्लोन नहीं होता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, साइक्लोन होते हैं जिनको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे भी कि टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं जिनको हम, कन्वेक्टिव साइक्लोजेनेसिस नहीं होता है। तो लो लेवल डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं, तो लो प्रेशर ट्रफ, लो प्रेशर ट्रफ हमें लो प्रेशर तो चाहिए ही है, कुछ भी हमको आगे साइक्लोन फॉर्मेशन देखना है अगर, तो लो प्रेशर ट्रफ एन एक्सटेंडेड रीजन ऑफ लो प्रेशर दैट मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ ईस्टर्ली वेव डिस्टर्बेंसेज इन द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसका क्या मतलब हुआ कि यानी एक कोई लो प्रेशर का एरिया है या ट्रफ है, मतलब कहने का कि जो मैंने आपको ये वेव बनाई थी, ऐसे लो प्रेशर ट्रफ है जो ईस्टर्ली वेव के प्रभाव में आके इस तरफ मूव कर रहा है, यानी कि यहाँ पे रेनफॉल कराते रहेगा, यहाँ पे रेनफॉल कराते रहेगा, तो ये जो स्टॉर्म है या लो लेवल डिस्टरबेंस जिसको बोलते हैं, ईस्टर्ली विंड्स के प्रभाव में आके ऐसे बढ़ता रहता है आगे, उसको हम बोलते हैं लो प्रेशर ट्रफ्स। तो ये अभी मैं आपको केवल ऐसे ही बना के दिखा रहा हूँ, अभी आपको विजुअली ऑब्जर्व कराऊंगा। तो वाई देयर आर वेरी फ्यू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन। तो अब अगला हमारा क्वेश्चन है ये कि साउथ वेस्ट मानसून सीजन के दौरान जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो कम क्यों होते हैं।
जैसे हम बात कर रहे हैं जुलाई की, जब हमारा साउथ वेस्ट मानसून आ रहा होता है, जैसे हम इंडिया की बात करें तो यहाँ से हमारा साउथ वेस्ट मानसून आ रहा होता है, उस समय जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन कम क्यों होते हैं? तो उसके दो रीजन है, एक तो है लार्ज वर्टिकल विंड शियर, लार्ज वर्टिकल विंड शियर, और दूसरा है लेस टाइम फॉर डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? तो जो साउथ वेस्ट मानसून है हमारा, उसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड्स आती हैं। जब मैंने आपको पढ़ाया था मानसून के विषय में, मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि ये वाली जो विंड हमारा ITCZ ऊपर मूव कर जाता है, ऊपर से ईस्टर्ली वेव इधर आके मिलती हैं, तो नीचे की जो यहाँ आके मिलनी चाहिए थी, लेकिन ITCZ के ऊपर जाने से क्या होता है, ये वाली विंड्स हैं ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ये वाली विंड्स ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती हैं और वेस्टर्ली के रूप में जाके इंडिया को क्रॉस करती हैं। यहाँ पे हमारा इंडिया है, तो ये साउथ वेस्ट मानसून हम इसको बोलते हैं। तो ये एज ए वेस्टर्ली जाती हैं और इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए क्या होता है, एक वर्टिकल विंड शियर पैदा हो जाता है। तो ये वाला जो साउथ वेस्ट मानसून या ये वेस्टर्ली विंड्स जो हम बोल रहे हैं, ये लोअर लेवल ऑफ ट्रॉपोस्फेयर में है, और अपर लेवल में जो ईस्टर्ली विंड्स रहती हैं उनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो वर्टिकल विंड शियर पैदा होता है, जिससे कि हमारा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होने के लिए कंडीशन है वो अकर नहीं हो पाती है। और जो दूसरा रीजन है हमारा कि लेस टाइम फॉर डेवलपमेंट, तो जैसे ये इंडिया है तो यहाँ पे साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए जो मेन रीजन हमारा बनता है वो बे ऑफ बंगाल का नॉर्दर्न रीजन बनता है, लेकिन यहाँ पे ये सबसे नैरो रीजन है, इसलिए साइक्लोन अकर होने के लिए कंडीशन बनने से पहले ही ये रीजन का जो ये जो डिप्रेशन है ये लैंड पे मूव कर जाता है, यानी यहाँ रह ही नहीं पाता है। अगर यहाँ पे काफ़ी एरिया होता है, जैसे ये खुला एरिया है, यहाँ पे ये अगर अकर होता तो इसको टाइम मिलता डेवलपमेंट के लिए, लेकिन ये नैरो रीजन में क्रिएट होता है, या जिसको हम बोल सकते हैं नॉर्थ रीजन ऑफ बे ऑफ बंगाल, तो इसको टाइम नहीं मिल पाता है डेवलपमेंट के लिए, और ये लैंड फॉल हो जाता है और लैंड पे चला जाता है, इसलिए साइक्लोन फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो ये दो रीजन हो गए कि साउथ वेस्ट मानसून सीजन में ट्रॉपिकल साइक्लोन अकर नहीं हो पाते हैं। फिर हम देखते हैं अपर एयर डिस्टरबेंस। अब यहाँ पे आपको समझने के लिए जरूरी है कि अपर एयर डिस्टरबेंस क्या होते हैं। तो आप ये फिगर देख रहे होंगे, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है, इसमें मैंने आपको बताया था हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल। तो आपको एक ये बात समझनी है कि हमें पता है कि जो अर्थ है हमारी, आप नीचे देखिएगा, ये अर्थ है और यहाँ से 18 किलोमीटर तक हमारा ट्रोपोस्फियर फैला हुआ है। हाँ, पोल्स पे 8 किलोमीटर मान सकते हैं और इक्वेटर पे 18 किलोमीटर मान सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो ट्रोपोस्फियर की जितनी भी हाइट है, ये जो हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल की हम बात करते हैं, ये इतनी हाइट तक हम बात नहीं करते हैं। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी अर्थ है और ये हमारा ट्रोपोस्फेयर है। तो यहाँ पे जो हम हेडली सेल की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं कि कन्वेक्शन के कारण एयर ऊपर जाती है, तो ये एयर ऊपर जाने का हमारा मतलब ये नहीं है कि ये ट्रोपोस्फेयर के अपर लेयर तक ये एयर पहुँच रही है और इसके बाद ये यहाँ पे डिसेंड हो रही है और फिर यहाँ से हमारा पोलर सेल और फेरल सेल और हेडली सेल फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपको ये बात एक समझनी है कि अपर ट्रोपोस्फेयर की लेयर तक हम बात नहीं करते हैं कि एयर का कन्वेक्शन होता है। तो हम बात कहाँ तक करते हैं, हम बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर के नीचे लेवल तक। तो हम अगला फिगर आपको दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारी इक्वेटर है, यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स वगैरह वो भूल जाइए, अभी ये हमारी इक्वेटर है, ये हमारा हेडली सेल बना हुआ है, यानी यहाँ पे एयर ऊपर उठी और यहाँ से डिसेंड हो गई, तो ये हमारा हेडली सेल बना। तो और ये हमारा एक फेरल सेल है, ऊपर पोलर सेल बनेगा। तो ये जो एयर उठी है ये यहाँ तक उठी है, लेकिन हमारा जो ट्रोपोस्फेयर है वो इसके ऊपर तक है। यहाँ पे आप देखिएगा, ये मान लो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, यानी ये हमारी अर्थ है, इसके ऊपर मैंने ये ट्रोपोस्फेयर की लेयर बना दी। तो अभी हम जो एयर की ऊपर उठने की, यानी हेडली सेल की जो बात कर रहे हैं, या फेरल सेल या पोलर सेल की, सबसे ऊंचा तो हमारा हेडली सेल ही रहता है, क्योंकि पोल पे जाने पे तो वैसे भी हाइट घटती है,
तो यहाँ से अगर एयर ऊपर उठी, यहाँ से डिसेंड होगी, तो ये हम पूरा अपने ट्रोपोस्फेयर के अपर लेयर तक बात नहीं करते हैं, हम बात कितनी कर रहे हैं, केवल इस लेवल तक, कोई भी लेवल हो सकता है वो, हम इतने ही लेवल तक की बात कर रहे हैं। पोल पे जाके डिसेंड होती है एयर, ये भी हमें पता है, तो इस लेवल तक की हम बात कर रहे हैं ऐसे। यानी अभी ऊपर क्या होगा, ऊपर कौन सी एयर चलेगी, इसको हमें समझना है। यानी हम इस, ये ट्रायंगल में मैंने दिखाया है, ये एरिया है जहाँ पे हमारे सेल डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो इसको मैं थोड़ा इनलार्ज करके आपको दिखाता हूँ। तो ये आपको दिखता है कि ये हमारा हेडली सेल डेवलप हुआ, ये फेरल सेल, ये पोलर सेल, इसको मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारी इक्वेटर है। आप व्यू समझिएगा कि ये हमारी 30 डिग्री है, ये अंदर तरफ जा रही है, 30 डिग्री की जो लाइन है, लेटिट्यूड है, अंदर तरफ जा रहा है। मैंने अर्थ को, आप फिर से देखिएगा, ये फिगर है, इसको मैं इस टाइप से देख रहा हूँ। अभी अर्थ पे हमने ऐसे पढ़ा था, अभी मैं सामने से ऐसे देख रहा हूँ इसको, तो हमें कैसे दिखेगा। तो ये इक्वेटर हो गई हमारी जो अंदर तरफ जा रही है स्क्रीन के, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये हमारा नॉर्थ पोल है। तब हम बोलते हैं कि ये हमारा हेडली सेल डेवलप होता है, ये हमारा फेरल सेल डेवलप होता है, और ये हमारा पोलर सेल डेवलप होता है। तो यहाँ पे हमको ये बात देखनी है कि अपर लेवल में क्या होता है। तो अभी हमको ये याद रखना है कि इक्वेटर पे जो हवा ऊपर उठी है, ये हवा ऊपर उठी, ये क्या कर रही है, ये ट्रोपोस्फेयर के इस लेवल पे जो भी एयर होगी, ये जो भी एयर हमने बनाई है, इसको पुश कर रही है। पुश करने से क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो राइज कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एयर है ऊपर उठ रही है, और इस एयर को जो ऊपर एयर है ट्रोपोस्फेयर की, उसको पुश कर रही है। क्योंकि ये जितना भी कुछ कार्यक्रम ये चल रहा है नीचे, आप इसको ये मानिएगा कि ये ट्रोपोस्फेयर के लोअर लेवल में चल रहा है। हम अपर लेवल का आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अपर लेवल में एयर कैसे चल रही है। तो ये जो भी एयर उठी इक्वेटर पे, इसने अपर लेवल की एयर को पुश किया, और ये जो एयर होगी ये प्रेशराइज हो जाएगी, यानी काफ़ी डेंस हो जाएगी। जब ऊपर जाते समय हमारा प्रेशर डिक्रीज होता है, ये हमको पता है, लेकिन हम वो बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि ये जो एयर है ऊपर, जो नॉर्मल जितना डिक्रीज होना चाहिए था प्रेशर का, उससे कम डिक्रीज होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि ये नीचे की एयर है, ये ऊपर की एयर को पुश कर रही है। यानी यहाँ पे प्रेशर तो कम होगा, अगर यहाँ पे 20 था या 200 था, यहाँ पे 100 रहेगा, यहाँ पे 50 होना चाहिए था, लेकिन होगा क्या कि ये जो डिक्रीज होने की मात्रा है ये कम होगी, यानी यहाँ पे 70 मान लो आप होगा। आप मेरी बात का मतलब समझ गए होंगे कि प्रेशर ऊपर जाने पर डिक्रीज होता है, वो डिक्रीज ही रहेगा। आप ये मत सोचिएगा कि मैं कह रहा हूँ कि प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर डिक्रीज ही होगा, लेकिन जो होना चाहिए था उसकी अपेक्षा एयर के पुश करने से ये प्रेशर ज़्यादा होगा। अब ये ज़्यादा किसके कंपैरिजन में होगा, वो कंपैरिजन हमें करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर पोल पे आते हैं। पोल पे क्या हो रहा है, हवा नीचे आ रही है, ये हम आपको बता चुके हैं, फिर से देख सकते हैं। तो ये हवा नीचे आने से क्या होगा, इस हवा के नीचे आने से क्या होगा, जो ट्रोपोस्फेयर के अपर लेवल में, जैसे वहाँ एयर थी, यहाँ भी ट्रोपोस्फेयर में अपर लेवल पे जो हवा होगी वो रेरिफाई हो जाएगी, रेयरफैक्शन हो जाएगा एयर का। इसका मतलब है वो लेस डेंस हो जाएगी, यानी रेरिफैक्शन हो जाएगा। तो होगा क्या, यहाँ पे जो प्रेशर है वो काफ़ी कम हो जाएगा, किसके कंपैरिजन में, इस रीजन के कंपैरिजन में जो इक्वेटर के ऊपर है। और यहाँ पे फ्रिक्शन भी नहीं है, ये हमें पता है कि ये ऊपर का जो रीजन होता है वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि अर्थ का सरफेस वहाँ पे कोई भी प्रभाव नहीं डाल पा रहा है, क्योंकि नीचे के रीजन में जहाँ हेडली फेरल पोलर वगैरह बन रहे हैं, वहाँ पे तो काफ़ी सारा रिलीफ है, यानी कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेटोज हैं, काफ़ी सारा अर्थ का रिलीफ सिस्टम है, इसलिए वहाँ पे फ्रिक्शन भी है, लेकिन अपर लेवल में फ्रिक्शन भी नहीं है। तो इससे होगा क्या कि जो हमें पता है कि एक प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो गया है, प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हुआ है, कहाँ पे, ये मोर प्रेशर की जगह है ये वाला रीजन, और यहाँ पे लेस प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और हमें पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं, और यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट एक डेवलप हो गया है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ से यहाँ की तरफ, यानी पोल की तरफ हवाएं चलना शुरू होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि ट्रोपोस्फेयर के नीचे लेवल में क्या चल रहा है, वहाँ पे हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल अपना काम कर रहे हैं,
हम ऊपर के लेवल में अब समझ गए हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो गया है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो गया है और यहाँ पे प्रेशर कम हो गया है। तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलनी चाहिए। लेकिन अब दिक्कत क्या आ गई कि यहाँ पे तो फ्रिक्शन भी नहीं है, और मैंने आपको बताया है कि फ्रिक्शन नहीं होने पे कोरियोलिस फोर्स और अधिक काम करेगा। तो उससे होगा क्या, मैंने आपको जब जियोस्ट्रॉफिक विंड बताया था एक लेक्चर में, तो मैंने बोला था कि अब इस प्रेशर ग्रेडियंट वाले फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक ही फोर्स हमारे पास बचेगा, वो है कोरियोलिस फोर्स, और वो काफ़ी मात्रा में लगेगा क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है अभी इस लेवल पे। तो अब आप बताइए, अब मैं इस फिगर को अगर वापस फ्रंट व्यू लेता हूँ इसका, तो ये अगर इक्वेटर है 0 डिग्री, और यहाँ पे पोल्स हैं, और मैंने आपको बताया कि इक्वेटर से पोल की तरफ हवा चलनी है, यानी ये हाई प्रेशर क्रिएट हो गया है, ये लो प्रेशर क्रिएट हो गया है। तो ये ऊपर के फिगर को मैंने फ्रंट व्यू बना दिया है कि 0 डिग्री से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलनी हैं। लेकिन क्या ऐसी चल पाएंगी, क्या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चल पाएंगी? क्योंकि तो हमें पता है कि कोरियोलिस फोर्स काम करेगा और आपकी बार बहुत तेज काम करेगा, उसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये बात हम ट्रोपोस्फेयर के नीचे लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं ट्रोपोस्फेयर में अपर लेवल की, जहाँ पर फ्रिक्शन भी नहीं है। इससे होगा क्या कि जो कोरियोलिस फोर्स है इतना काम करेगा कि ये जो डिफ्लेक्शन होगा वो पूरा 90 डिग्री हो जाएगा। हमें पता है नॉर्दर्न रीजन में क्या होगा, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, कोरियोलिस फोर्स जो हवाएं हैं उनको अपने राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करती हैं। और दूसरी बात ये भी है कि अपर लेवल में होने के कारण एयर स्पीड भी बहुत ज़्यादा होगी, तो जितनी ज़्यादा एयर स्पीड उतना ज़्यादा कोरियोलिस फोर्स, इसलिए ये पूरी की पूरी जो एयर है वो अपने 90 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस तरफ 90 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि ये वेस्ट से ईस्ट की ओर मूवमेंट हो जाएगा इस एयर का, यानी जो आइसोबार्स थे उनके पैरेलल मूवमेंट हो जाएगा इस एयर का। तो उसी चीज को मैंने यहां पे दिखाया है, आप गौर से देखिएगा, ये लिखा है सब ट्रॉपिकल जेट, ये डॉट का मतलब है स्क्रीन के अंदर जाती हुई हवा, पोलर जेट, ये उसी रीजन के कारण यहाँ पे पोलर जेट भी बनेगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हवा हाई से लो की ओर जानी चाहिए थी, जो रीजन ऊपर मैंने डिस्कस किया, लेकिन ये कैसी जाएगी, वेस्ट टू ईस्ट, तो वेस्ट टू ईस्ट जाएगी, इसलिए वेस्ट से आने वाली को हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्ली, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेस्टर्ली जेट, इसको हम वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो ये सबको समझ में नहीं आता है कि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या होते हैं, या आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या होते हैं। सब ट्रॉपिक पे जो बनते हैं उनको हम बोलेंगे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, और पोल पे बनेंगे यानी कि पोलर सेल और फेरल सेल के बीच में, उसको हम क्या बोलेंगे, पोलर जेट स्ट्रीम। तो अब अगले फिगर में देखते हैं कि ये कैसे लगते हैं। अब आपको मैं एनिमेशन में दिखाता हूँ, ये देखिए, ये हमारे चार जेट स्ट्रीम बनते हैं, चारों कैसे हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूवमेंट करेंगे। आपको रीजन समझ में आ गया कि ये बनते क्यों हैं, कोरियोलिस फोर्स के कारण, या इनको हम जियोस्ट्रॉफिक विंड भी बोल सकते हैं, आपको एक लेक्चर मैंने जियोस्ट्रॉफिक विंड के बारे में भी बताया था। तो ये हमारा मूवमेंट है किसका, जेट स्ट्रीम का। तो ऐसे ये मियंडर करते हुए, मियंडर का मतलब होता है ऐसे ऐसे रिज बनाएंगे, ट्रफ बनाएंगे, ऐसे ये मूव करेंगे हमारे, ये हो गए सबट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम ये दोनों, और ये हो गया हमारा पोलर जेट स्ट्रीम। तो जो वो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर ये 0 डिग्री इक्वेटर है तो ऊपर के लेवल पे, ये अपर लेवल में चल रही है, ये सरफेस के पास नहीं है, नीचे तो दूसरी हवाएं हैं, वो मैं आपको विंड सिस्टम बता चुका हूँ, ये अपर ट्रोपोस्फेयर में चल रही है काफ़ी हाइट पे और काफ़ी तेज स्पीड में, जिनको कि हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम, इसीलिए इनका नाम है जेट स्ट्रीम। अब ये देखिए, ये यहाँ से जेट स्ट्रीम जा रहा है और ये कोल्ड एयर मास इसको नीचे पुश कर रहा है और वार्म एयर मास इसको ऊपर पुश कर रहा है। अब ये जेट स्ट्रीम जो होगा 5 से 9 माइल्स ऊपर, यानी कि बात कर रहे हैं ट्रोपोस्फेयर से काफ़ी अपर लेयर में ये जेट स्ट्रीम ट्रेवल करते हैं। अब हम देख सकते हैं कि जो फ्लाइट वगैरह हैं, एरोप्लेन वगैरह हैं, अगर वो जेट स्ट्रीम में जाते हैं तो क्या होता है, उनकी स्पीड बढ़ जाती है, ज़्यादा दूरी कम समय में तय कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई एरोप्लेन या फ्लाइट यहाँ से उल्टी डायरेक्शन में आती है जेट स्ट्रीम के, तो क्या होगा, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा और उसका फ्यूल वगैरह भी, उसका पावर भी ज़्यादा कंजप्शन होगा। तो अगर जेट स्ट्रीम में कोई एरोप्लेन ट्रेवल करता है तो उसको काफ़ी सुविधा हो जाती है। तो ये हमारा
डिस्टरबेंस देखिए कैसे वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के प्रभाव में आके जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ वहाँ रेनफॉल कराते हुए जा रहा है। तो ये रीजन है कि हमारा कोई टेम्परेट रीजन का, अगर ये मान लो टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट रीजन का कोई ट्रफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के प्रभाव में आके ट्रॉपिकल रीजन में आ जा रहा है और वहाँ पे रेनफॉल करा दे रहा है। तो ये भी एक करैक्टरिस्टिक है ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की, कि वो जो टेम्परेट साइक्लोन्स हैं उनको मूव कर देता है कहाँ पे, ट्रॉपिकल रीजन में। तो जो हमारे यहाँ सर्दियों में बारिश होती है वो इन्हीं के कारण होती है, जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, है ना, जिसको हम बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। ये आपने नाम सुना होगा, पश्चिमी विक्षोभ। तो विक्षोभ डिस्टर्बेंस, इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये आपको समझ में आ गया हो। अगर ये, लेकिन यहीं पे अगर यहाँ पे ये डिस्टर्बेंस होता तो यहाँ अगर रेनफॉल करा रहा होता इस जगह पे, तो ये यहीं पे कराते रहता, क्योंकि यहाँ से कोई जेट स्ट्रीम नहीं जा रही है जो इसको मूव कर पाए। तो अगर कोई वेस्टर्ली या ईस्टर्ली कोई भी मूव नहीं हो रही है हवा यहाँ से, तो ये अपना यहीं पे डिसिपेट हो जाता। तो अपर एयर डिस्टरबेंस, ये आप पढ़िएगा, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है कि अपर एयर डिस्टरबेंसेस क्या होते हैं। तो इसमें मैंने थ्योरी में इसलिए मैं लिख देता हूँ कि अच्छे अच्छे से पॉइंट्स रहते हैं जिनको आप अगर रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से लिख भी सकते हैं फिर बाद में जाके। तो हम देखते हैं कन्वेक्टिव साइक्लोजेनेसिस डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का डेवलपमेंट, तो ये हो गया हमारा कन्वेक्टिव साइक्लोजेनेसिस या ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन। दूसरा हो गया फ्रंटल साइक्लोजेनेसिस और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल का मतलब क्या हो गया, टेम्परेट जोन के जो साइक्लोन है वो कैसे फ्रंटल साइक्लोजेनेसिस बोलते हैं। और मीजो साइक्लोन फॉर्मिंग एज वार्म कोर साइक्लोन गिविंग राइज टू टार्निडो एंड वाटर स्पाउट। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, टार्निडो और वाटर स्पाउट। तो अब हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ साइक्लोन फॉर्मेशन। तो साइक्लोन फॉर्मेशन के स्टेजेस क्या होते हैं, तो सबसे पहले ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस होगा, एक लो लेवल का एक ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस होगा, फिर वो डिप्रेशन में बदलेगा यानी और प्रेशर लो होगा, फिर वो ट्रॉपिकल स्टॉर्म में बदलेगा, उसके बाद हरिकेन में बदलेगा। तो ट्रॉपिकल डिप्रेशन का क्या मतलब हुआ कि मैक्सिमम सस्टेंड जो विंड स्पीड होगी वो 63 किलोमीटर पर आवर से कम होगी, ट्रॉपिकल स्टॉर्म होगा उसकी स्पीड 119 से कम होगी, और ट्रॉपिकल साइक्लोन होगा उसकी स्पीड 119 से ज़्यादा होगी। अभी हम देखते हैं मैकेनिज्म अर्ली स्टेज पे क्या होगा। तो ये पूरी मैकेनिज्म मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। इन द थंडर स्टॉर्म एयर इज अपलिफ्टेड, वार्म एंड लाइट होगी, लैप्स रेट, एडियाबेटिक लैप्स रेट, कंडेंसेशन होगा, ये सब बता चुका हूँ, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन होगा, साइकिल रिपीट होते रहेगी, मॉइस्चर जब तक सप्लाई होते रहेगी, साइक्लोनिक वॉर्टेक्स बनेगा, स्पाइरलिंग होगी एयर कॉलम की, और ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो मैंने आपको बताया था कि केंद्र की ओर लगने वाला जो बल होता है, द एयर इन द वॉर्टेक्स इज फोर्स्ड टू फॉर्म ए रीजन ऑफ कामनेस कॉल्ड एन आई। तो आई क्या होता है ये हमको समझना है। तो ये स्पाइरलिंग जो होगी एयर की ऐसे ऐसे ऊपर उठती जाएगी, तो इसके बीच में एक आई रीजन रहता है ऐसे, जिसमें एयर जो रहती है वो काम रहती है। यहाँ पूरा कोलाहल मचा होगा, पूरा एयर अपवर्ड जा रही होगी, डाउन ड्राफ्ट हो रहा होगा और काफ़ी ज़्यादा तबाही आ रही होगी, लेकिन बीच में एक एरिया होगा जिसको हम बोलते हैं साइक्लोन की आई, आँख। तो वहाँ पे क्या होता है, तो द आई इज क्रिएटेड ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन द हाई स्पीड विंड दैट इज फ्लोइंग इन ए कर्वी पाथ। ये आप इसमें देखिएगा, इस फिगर में ये हमारा एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है केंद्र की ओर। तो अगर कोई आदमी किसी बॉल को एक रस्सी में बांध के ऐसे घुमाता है तो ऐसे बॉल घूमती रहती है, तो जो ये फोर्स लग रहा है या जो स्ट्रिंग है इस बॉल को बांधने वाली, वही इस साइक्लोन में हमारा क्या है, वो प्रेशर ग्रेडियंट, यानी इन ए साइक्लोनिक वॉर्टेक्स द इंटेंस लो प्रेशर एक्ट एज ए स्ट्रिंग दैट होल्ड्स द वॉर्टेक्स इन प्लेस। जैसे ये रस्सी है ये इस बॉल को अपनी जगह पे पकड़े हुए है, ऐसे ही जब साइक्लोन होता है हमारा तो जो एक लो प्रेशर बीच में क्रिएट होता है वो लो प्रेशर एक रस्सी का काम करता है और पूरे वॉर्टेक्स को आपस में बांधे रहता है और ये घूमते रहता है, और जैसे ये रस्सी टूटती है तो क्या होता है, ये भाग जाती है बॉल, ऐसे ये प्रेशर खत्म होता है तो ये साइक्लोन डिसिपेट हो जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटेंस लो प्रेशर, ग्रेटर विंड स्पीड, ग्रेटर कोरियोलिस फोर्स और ग्रेटर डिफ्लेक्शन। भाई विंड स्पीड ज़्यादा होती है मैंने बताया, कोरियोलिस फोर्स ज़्यादा लगेगा, उससे क्या होगा, जो विंड स्पीड है
जब सीधी विंड आनी चाहिए थी वो घूम जाएगी, जिससे कि क्या होता है एक स्पायरल पैदा होता है। तो विंड स्पीड ज़्यादा, स्पायरल ज़्यादा, और ग्रेटर द विंड स्पीड ये आई रीजन भी ज़्यादा होगा। तो होगा क्या कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लो ये हमारा कोस्टल इलाका है, यहाँ पे वाटर बॉडी है, ओशन है, और यहाँ से हमारा स्टॉर्म आ रहा है, यहाँ से स्टॉर्म आ रहा है मॉइस्चर लेके, तो ऐसे ऐसे ये स्टॉर्म हमारा आ रहा है, तो यहाँ पे आई रीजन होगा। तो इतना एरिया जब निकल जाएगा स्टॉर्म का, तो लोग सोचते हैं कि अब ख़त्म हो गया, लेकिन अब ख़त्म नहीं होता स्टॉर्म, क्योंकि तो ये आई रीजन उनको ये इल्यूजन देता है कि अब मौसम शांत हो गया है, लेकिन अभी तो उतना ही हिस्सा इधर भी बाकी है जो तबाही अब लाती है, क्योंकि अभी इसको मॉइस्चर मिल रही होती है, और ये अब वापस आता है तो फिर से वैसे ही स्पायरलिंग और स्टॉर्म आता है। तो ऑल द विंड दैट इज कैरीड अपवर्ड लूजेज इट्स मॉइस्चर एंड बिकम्स कोल्ड एंड डेंस। तो जो भी विंड ऊपर गई अपने मॉइस्चर लूज करती है, और कोल्ड हो जाती है, डेंस हो जाती है, और डिसेंड कर जाती है। इफ द स्टॉर्म डजेंट मेक लैंडफॉल एंड इफ द ओशन कैन सप्लाई मोर मॉइस्चर द स्टॉर्म विल रीच ए मैच्योर स्टेज, है ना। अगर स्टॉर्म अगर लैंडफॉल नहीं होता है और उसको ओशन से सप्लाई मिलती रहती है मॉइस्चर की, तो अपनी मैच्योर स्टेज पे पहुंचेगा, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था 3 स्टेज। तो ये फिर से वही चीज़ है, एयर ऊपर उठी, स्पायरलिंग हुई, और ये फिर बीच में ये देखिए आई फॉर्मेशन है, यहाँ पे मौसम शांत रहता है, और ये यहाँ पे काफ़ी मैच्योर स्टेज में ये पहुँच गया है। अब करेक्टरिस्टिक ऑफ आई क्या रहेगी कि लाइट विंड और फेयर वेदर रहेगा जब ये आई रीजन होगा, है ना। ये आप इस फिगर में देखिए कि ये हमारा जो रीजन है ये आई रीजन है ना, और इसके अगल बगल इसको क्या बोलेंगे, आई वॉल, है ना। और ये जो बैंड्स बने होते हैं इनको हम बोलते हैं रेन बैंड, यहाँ पे रेन अगर होती है बैंड्स बोलते हैं इनको हम, जो ये नीचे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, ये रेन बैंड है। अगर ये मेंस में क्वेश्चन आता है तो थोड़ा फिगर विगर बना के आप ये अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये करेक्टरिस्टिक है आई की, यहाँ पे कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, है ना। एंड समटाइम ब्लू स्काई और स्टार्स कैन बी सीन, ब्लू स्काई दिखेगा मतलब मौसम बिल्कुल आपको क्लियर वेदर दिखेगा, लेकिन आपको पता नहीं है कि अभी पीछे से और ज़्यादा स्टॉर्म आने वाला है, अभी तो हाफ ही निकला है। तो अलोंग द आई द एयर इज स्लोली सिंकिंग, सिंक होती होगी अगर एयर है तो सीधी सी बात है कि वो स्टेबिलिटी है, एंड इज हीटेड ड्यू टू कंप्रेशनल वार्मिंग। द आई टेम्परेचर मे बी 10 डिग्री सी वार्मर और मोर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 12 किलोमीटर देन दी सराउंडिंग एनवायरनमेंट, बट ओनली 0 to 2 डिग्री सेल्सियस वार्मर एट द सरफेस इन द ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये सब बातें आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको लिखने के लिए पॉइंट्स मिल जाएंगे, अगर समझ में आ गया तो लिख तो आप फिर सकते ही हैं। तो करेक्टरिस्टिक आई वॉल की ये भी आप देख लीजिए, देख लीजिएगा, इसमें भी बस पढ़ने का ही है। मैकेनिज्म क्या है मैच्योर स्टेज की, ये उसके लिए फिगर बना दिया है। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन होगा, ऊपर हमारे सीरस शील्ड बनेगी यानी सीरस क्लाउड बनेंगे, क्योंकि सबसे ऊपर हमारे सीरस क्लाउड्स ही बनते हैं, और आई रीजन में क्या है कोल्ड एयर नीचे फॉल कर रही है, कोल्ड एयर नीचे फॉल कर रही है इसीलिए तो वहाँ पे प्रिसिपिटेशन नहीं होगा। ये सबसे ऊपर सीरस क्लाउड्स रहेंगे, और फिर ये क्यूमुलस, क्यूमुलस से तो हमारी इनिशियल स्टेज शुरू होती है, निम्बो स्ट्रेटस और क्यूमुलो निम्बस जो सबसे ऊंचे रहेंगे, क्यूमुलो निम्बस जिनमें काफ़ी पानी बरसेगा, सीरो स्ट्रेटस, सीरस सबसे ऊपर रहेंगे। तो अब हम देखते हैं ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो ये एक हम मैप देख सकते हैं जिसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स 1945 से लेकर 2006 के बीच दिया हुआ है। तो ये जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म है ये हमको वायलेट कलर से ये रीजन दिखाया जा रहा है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन का एरिया है, और हरिकेन कैटेगरी 2। कुल मिला के आपको बस ये देखना है कि जो मेन रीजन है ये हमारा इंडिया है, तो यहाँ पे हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन अकर होते हैं। तो रीजनल नेम्स क्या हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के, तो इंडियन ओशन में हम बोलते हैं साइक्लोन, अटलांटिक ओशन में बोलेंगे हरिकेन्स, यानी कि अमेरिका वगैरह में हरिकेन बोलेंगे, और वेस्टर्न पैसिफिक एंड साउथ चाइना सी में बोलेंगे टाइफून, यानी जापान चाइना यहाँ पे और जितना भी साउथ चाइना सी का एरिया है, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में विली विली। तो ये पाथ दिखाया गया है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का कि कैसे ये यहाँ से मान लो अगर साइक्लोन चलेगा तो यहाँ पे चाइना तरफ जा सकता है, जापान तरफ जा सकता है, और यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में चला जाएगा, और यहाँ पे अगर बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन आया तो इस तरफ से जाएगा,
और ये अरेबियन सी में अगर डिस्टरबेंस बना तो ये यहाँ पाकिस्तान तरफ चला जाएगा। तो ये वाला इलाका जो है इंडिया का, ये सुरक्षित रहता था, क्योंकि अभी 2-3 साल से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अभी गुजरात वगैरह में और नीचे के मुंबई वगैरह में भी अभी ये साइक्लोन टकराने लगे हैं, है ना। वैसे अगर यहाँ पर डेवलप होता था तो ये पाकिस्तान तरफ जाता था। तो ये हमारा एक पाथ दिखाया गया है कि ईस्ट से वेस्ट तरफ जाएगा ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिक रीजन में अगर करूँगा, क्योंकि जो ट्रेड विंड्स हैं वो ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स हैं। तो ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स के वजह से ये साइक्लोन जो है वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करता है। अभी हम देखते हैं कि जो साइक्लोन है वो अरेबियन सी में कम बनते हैं, जबकि बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा बनते हैं इसका रीजन। तो इसके मैंने रीजन ये दिखाए हैं कि मोर लो लेवल डिस्टरबेंस इन बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में जो है लो लेवल के डिस्टरबेंसेस कई होते हैं, क्योंकि जितने भी डिस्टरबेंस पैसिफिक ओशन में क्रिएट होते हैं, आप पिछला फिगर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी डिस्टरबेंस क्रिएट हुए वो यहाँ पे आ जाते हैं बे ऑफ बंगाल तक। और हमारा जो जो स्टॉर्म है उसके लिए हमारी जो प्री रिक्विजिट है, मैंने आपको पढ़ाया है कि एक लो लेवल का भी अगर स्टॉर्म है तो वो इंटेंसीफाई हो जाता है फिर। तो ये या चूँकि पहले वेस्ट से ईस्ट आते हुए जो डिस्टरबेंस है वहाँ बे ऑफ बंगाल पड़ेगा, इसलिए अरेबियन सी में ये कम आ पाते हैं। एक रीजन हमारा ये हो गया। दूसरा रीजन है द सरफेस टेम्परेचर ऑफ बे ऑफ बंगाल इज हायर। तो जो सरफेस टेम्परेचर बे ऑफ बंगाल का है वो भी ज़्यादा है। तो उसका रीजन हमारा है साउथ वेस्ट मानसून। तो जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून आता है वो अरेबियन सी की तरफ से आता है, इसलिए 1 से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अरेबियन सी का कम रहता है बे ऑफ बंगाल की अपेक्षा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर है अरेबियन सी सरफेस हैज हायर सैलिनिटी। अरेबियन सी की जो सैलिनिटी है वो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे गंगा और जितनी भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र, ये सब फ्रेश वाटर इसमें ले आती है बे ऑफ बंगाल में, जिससे जो सैलिनिटी है वो बे ऑफ बंगाल की कम हो जाती है। इसकी अपेक्षा जो अरेबियन सी की सैलिनिटी है वो ज़्यादा है, और जो फ्रेश वाटर होता है वो लेस डेंस होता है इन कंपेरिजन टू सेलाइन वाटर, है ना। तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल का जो वाटर है वो लेस डेंस हो जाता है, डेंस लेयर नीचे डेंस लेयर से मिक्सिंग हो जाती है, लेकिन जो लेस डेंस है फ्रेश वाटर है उसकी मिक्सिंग नहीं हो पाती है बे ऑफ बंगाल में। इसलिए हमको फेवरेबल जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी वो मिल जाती है स्टॉर्म कंडीशन साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए। तो ये आपको समझ में आ गया। हायर स्ट्रेटिफिकेशन इन बे ऑफ बंगाल, तो वो सेम चीज़ मैंने आपको बोल दी, स्ट्रेटिफिकेशन ज़्यादा है बे ऑफ बंगाल में क्योंकि ऊपर वार्म वाटर की लेयर हो गई है। मानसून विंड्स ड्राइव अवे मॉइस्चर, तो ये जो अरेबियन सी से मानसून विंड आती हैं तो यहाँ की जो एयर है उनकी जो मॉइस्चर को है वो इंडिया तरफ ड्राइव कर देती हैं, और यहाँ पे साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए जो मॉइस्चर चाहिए वो नहीं उतनी मिल पाती। तो ये आपको रीजन समझ में आ गए होंगे, आप लिख सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आता है। अब हम देखते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन स्केल। तो कैटेगरी अगर 1 का है तो विंड स्पीड 119 से 153 KPH यानी किलोमीटर पर आवर रहेगी, इसमें मिनिमल डैमेज रहता है। कैटेगरी 2 में मॉडरेट डैमेज रहेगा, आप स्पीड देख सकते हैं। कैटेगरी 3 का है तो एक्सटेंसिव डैमेज होगा, स्पीड और ज़्यादा होगी। कैटेगरी 4 का एक्सट्रीम डैमेज, और कैटेगरी 5 का कैटास्ट्रॉफिक। तो आप फिगर से देख सकते हैं कि ये पूरा मकान वकान सब बह जाएगा, है ना, उड़ जाएगा। तो हमको जो क्वेश्चन आ सकता है कि सैफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल जो है उसमें कितने कैटेगरी में ट्रॉपिकल साइक्लोन में डिवाइड किया गया है, तो 5 टाइम में डिवाइड किया गया है। बस सिंपल सा क्वेश्चन एक ये बनता है यहाँ पे कि सैफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल, ये 5 टाइप की कैटेगरी में इसको बांटा गया है। तो क्या क्या डैमेज हो सकता है ट्रॉपिकल साइक्लोन से, तो फ्लड्स, विंड, स्टॉर्म सर्ज, ये सब कंडीशन बनती हैं। तो ये मैं आपको स्लाइड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या डैमेज एक्सपेक्टेड है और मेजर क्या क्या लिए जाते हैं। तो इसमें पढ़ाने का कुछ नहीं है, ये मैं आपको पूरी स्लाइड दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्लड्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है, विंड स्पीड्स के बारे में लिखा हुआ है, और स्टॉर्म सर्ज क्या होता है ये आप देख लीजिए। तो जब होता क्या है कि जो टाइड फॉर्मेशन होता है जब, तो अभी हम देख लेते हैं कि नेमिंग ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन्स के नेम कैसे दिए जाते हैं। तो WMO या वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड द वर्ल्ड ओशियन इंटू बेसिन्स एंड असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेमिंग द साइक्लोन टू द रिस्पेक्टिव रीजनल बॉडी। तो WMO या वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने डिवाइड कर रखा है कई बेसिन्स में वर्ल्ड ओशियन को, और उसकी जिम्मेदारी रिस्पेक्टिव जो रीजनल बॉडीज हैं उनको दे रखी है।
ईच रीजनल बॉडी हैज़ इट्स ओन रूल्स इन नेमिंग साइक्लोन, और हर रीजनल बॉडी के अपने अपने रूल्स हैं जो साइक्लोन के नेम देते हैं। तो इन मोस्ट रीजन्स प्री डिटरमाइंड अल्फाबेटिक लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिंग मेल एंड फीमेल नेम्स आर यूज। तो हर रीजन क्या है अपना पहले से डिसाइड करके रखता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कि अल्टरनेटिंग मेल और फीमेल के नेम उन्हीं के आधार पे ये नाम दे दिए जाते हैं। फिर अब ये नाम देते क्यों हैं, क्योंकि अगर हम नाम नहीं देंगे और एक ही रीजन में, मान लो इंडिया के गुजरात में बार बार कोई कोई एक साइक्लोन आया, इसके बाद कोई दूसरा साइक्लोन आया, तो हमें राहत पहुंचानी है, रिलीफ चलाना है, कुछ भी, तो किस स्टॉर्म के कारण क्या हुआ, तो उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे कि किससे क्या हुआ। तो नेम देने से क्या है, या तो हम पर्सन का नाम दे देते हैं, फ्लावर का नाम दे सकते हैं, एनिमल का नाम दे सकते हैं, तो इसलिए क्या होता है, क्विक क्विक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो पाता है, एक जगह से दूसरी जगह पे क्विक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो पाता है, आम पब्लिक को इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो पाता है, इसलिए हम नेमिंग करते हैं। अब जो इंडियन ओशियन है, तो वहाँ पे जो नाम है वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं दिए जाते हैं। वहाँ पे क्या है कि जो कंट्रीज हैं आसपास की वो अपना कंट्रीब्यूट करती हैं नेम के लिए, वो अपने अपने नाम की लिस्ट दे देती हैं, उसी नाम उसी लिस्ट के आधार पे नाम दिए जाते हैं। और ये नाम तब दिए जाते हैं कि जब जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म की स्ट्रेंथ है कम से कम 63 किलोमीटर पर आवर को क्रॉस कर जाए, यानी इतने से ज़्यादा स्पीड हो जाए ट्रॉपिकल स्टॉर्म की, तब फिर वो उसको कोई नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे जो रीजनल बॉडी है वो है इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, जो 8 कंट्रीज़ को देखती है इंडियन सी में, या 8 कंट्रीज़ को एडवाइजरी इशू करती है इन साइक्लोन्स के बारे में। तो ये 8ों कंट्रीज़ IMD को अपनी अपनी लिस्ट दे देते हैं और इसी लिस्ट के आधार पर ये नाम चलते रहते हैं। तो हर बार जो साइक्लोन अकर होता है उस लिस्ट से नाम देख लिया जाता है और वो नाम दे दिया जाता है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि जैसे बांग्लादेश ने अपने नाम दे दिए हेलेन, चपला, ओखी, फैनी, ये फैनी तूफान आया था, है ना। इंडिया ने दे दिया लहर जो 2013 में आया था, मेघ, सागर, वायु, ऐसी मालदीव्स ने दे दिया, म्यांमार ने दे दिया, है ना, ओमान, हुदहुद आया था, ये आपको याद होगा, कुछ को याद नहीं होंगे, पाकिस्तान, ये एग्जाम में किसी में क्वेश्चन आया था, नीलोफर किसने नाम दिया था, तितली, वर्धा, ये सब पाकिस्तान ने दिए हैं, श्रीलंका का अपना प्रिया, ये ऐसे करके ये 8 कंट्री हैं जिन्होंने अपने नाम की लिस्ट दे रखी है, और IMD उनके आधार पे जो भी साइक्लोन आता है उसको नाम दे देती है। अभी ये वार्निंग ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये अभी लेक्चर की लेंथ काफ़ी हो रही है, तो अभी आप और 4 स्टेज IMD वार्निंग सिस्टम, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। तो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आपको लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट में आप ज़रूर बताइए, और आगे मैं सुधार में क्या कर सकता हूँ वो आप ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं अपने लेक्चर और अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊँ। थैंक यू।